हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज है 29 अप्रैल एंड टाइम इज 7 PM। अभी हम लोग निकल रहे हैं चिकमंगलूर के लिए। एक्चुअली ये जो ट्रिप है ना, ये ड्यू था, ये 1st week of April में जाना था, बट कुछ रीज़न से कैंसिल किया था। सो वी आर गोइंग नाउ। और अभी ऐसा है कि 1st of May छुट्टी है, मंडे, तभी हमने प्रोग्राम बनाया। इस ट्रिप में मैं रहेंगे, लिखा रहेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैमी विल बी देयर। वो पूरा रेडी है, उसका सामान कल ही हम लोगों ने कार में रख लिया था। सो बाई 8 o'clock हम लोग शुरू कर देंगे। बस थोड़ा सा सामान कार में रखना है, और द यूजुअल हाईवे विल बी लाइक टूवर्ड्स द बैंगलोर, NH 44 विल बी देयर। फिर रनपुर से वी हैव टू टेक अ राइट, फिर मिलते हैं आपको रोड में एंड कैच अप द नेक्स्ट फुल स्टोरीज। ये है सैमी का। हम लोगों ने जैसे पिछले ब्लॉग्स में भी हम लोग ऐसे इसको कर देते हैं, चादर है यहाँ पे, ये गद्दी हम लोगों ने लिया हुआ है, ये गद्दी इस पर डाला हुआ है, एंड देन शी इज़ कम्फर्टेबली रह जाती है। और यहाँ पे दिस इज़ द थिंग जो पूरा इस दोनों हेडरेस से कनेक्ट करके रखा है, सो वो आगे भी नहीं गिरेगी और यहाँ पे पूरी कम्फर्टेबली रहती है। ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया, यहाँ से कुछ 630 किलोमीटर्स है और कुछ 12-13 घंटे बता रहे चिकमंगलूर। तो दोस्तों, ये अब हम चढ़ गए हैं पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पे। ये हम लोगों ने अत्तापुर से चढ़े हैं, और ये टिल लास्ट जो एग्जिट रहेगा हम वहीं उतर जाएंगे, दैट इज द शमशाबाद एयरपोर्ट रोड। वहाँ से फिर हम लोग बैंगलोर हाईवे पकड़ेंगे एंड देन विल कंटिन्यू। बट उसके पहले हम लोग कुछ 60-65 किलोमीटर्स फ्रॉम अत्तापुर ढाबा है, यूपी बिहार ढाबा, वहाँ पे जाके हम लोग डिनर कर लेंगे। तो ये लग रहा है कि शायद 9:30-10 o'clock तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सब चंडीगढ़, तो ये अब आ गए हैं हम यूपी बिहार ढाबा। ये संदर्शनी के जस्ट बाजू में है। ये बड़ा छोटा सा ढाबा, बट हम क्या यहाँ पे ग्रेजुएशन टाइम से आते हैं, लाइक 2015-14 के टाइम से आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है दाल तड़का, 2 ऑमलेट एंड भिंडी फ्राई और तंदूरी रोटी। तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, कभी पार्टी वार्टी करने के लिए आ जाते हैं, तो बट दिस टाइम प्रॉपर डिनर के लिए आए हैं। आ गया अपना डिनर, दाल तड़का, भिंडी, रोटी, थोड़ा बहुत सैलड दिया उन्होंने। ये सैमी के लिए बॉइल्ड एग्स। कैसा खाना? खाना तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम 2014 से आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खाना है। ये पहली चाय है ड्राइव की, होप सो कि अभी 3 बारी और होगा रात में। ये सैमी के दोस्त जो सैमी को देख के भाग गए थे, बट अभी आ गए क्योंकि सैमी अभी कार में ही है। तो अभी हो गया है दोस्तों हमारा डिनर, और बढ़िया हमने खाया, और बिल बना कुछ 530 रुपए का। फुल मूड में है, सबको हरा के आगे निकलेंगे और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाएंगे। और वाकई निकल भी गए हैं। निकल रहा है 800 cc मारुति। दोस्तों अभी समय हो रहा है 1:45 और कम कुछ 18-20 किलोमीटर बाकी।
शॉप्स है। अरे वाह मंदी भी है, अरेबियन मंदी। खाओगे मंदी? खाओ मंदी, खाओ भिंडी की सब्जी के बाद मंदी खाओ। सैमी बिटिया खाओगी मंदी? नहीं खाओगी? सामने गाड़ी में कुछ तो आपदा आ रही है, समस्या आ रही है। आपदा नहीं, समस्या। और ये चीज ना हमने देखा है, जिस लेन में हम रहते हैं ना, पता नहीं कुछ तो हो जाता है और सामने वाली गाड़ी की वजह से हम अटक जाते हैं। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कर्नूल नीचे शहर, और हम हैं फ्लाईओवर में। ये है दोस्तों सैमी बैठी हुई है आराम से। अब सो रही थी, उठ गई है। हाँ अभी सो रही थी। बज रहे हैं 2। अभी हम लोग स्टॉप किए चाय ब्रेक के लिए, तो तुलिका चाय पी रही है। मैं शायद एक ज़ीरो कोक लूँगा, और ये अपना कुरकुरे तो नहीं है, बिंगो चिप्स। और हम लोगों ने कुछ 260 किलोमीटर्स कर लिया। अनंतपुर इज़ 100 किलोमीटर्स अभी पेंडिंग है, सो होप बाई 3:15 वी शुड बी देयर। बारिश हुई नहीं है, पूरा सूखा ही है, पर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर पहुँच गए हैं, और अभी हम लेंगे यहाँ से एक सर्विस रोड जो कि सीधा अनंतपुर टाउन में कनेक्ट होगा। अभी 500 मीटर से हम राइट लेंगे थोड़ा और आगे। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, स्ट्रेट जाएंगे थोड़ा और। थोड़ा स्ट्रेट 300 मीटर और। यहाँ पर कुछ श्री तेजा रेसिडेंसी है, प्यार हो गया। हाँ रोड अच्छे रहते हैं ना तो भाई ट्रैवल सच में अच्छा लगता है। वही गड्ढा कादा कीचड़, बाप रे। एक जगह तो हमारी गाड़ी फंस गई थी, वहां पे हम वीडियो नहीं ले पा रहे थे बिकॉज सच में थोड़े से पैनिक हो गए थे कि यार हम क्या करें अब, किस तरह से गाड़ी को निकाले। बट देन ये हमारे जाबाज खिलाड़ी, और ये देखिए ये
उन्होंने अच्छे से एकदम गाड़ी को निकाल दिया। तो ये है हिरियूर रोड, कर रहे हैं। ये छोटा सा टाउन है कादुर, कादुर करके है ये। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:45, ETA 11:45। और एज पर गूगल मैप्स हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से हम ले लेंगे राइट टूवर्ड्स नेशनल हाईवे 173। और ना यहाँ हमने देखा है सब घर के ऊपर इस तरह से इन्होंने टिन के शेड्स बनाए हैं, तो वी आर गेसिंग कि शायद कोकोनट्स रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। और ये है बड़ा ही सुंदर सा ग्रीनरी, अच्छा लग रहा है कि क्या होता है। हर जगह कोकोनट ट्रीज, इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सो क्लोज टू नेचर। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन टाउन में जो कि है चिकमंगलूर, लेकिन अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन होटल में नहीं पहुंचे हैं या होम स्टे प्रिसाइजली, बट दिस इज चिकमंगलूर। हाँ वेदर अच्छा है, बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। ये है हमारा प्यारा सा होम स्टे। तो हाय एवरीवन अगेन, तो चिकमंगलूर में तो आ गए हैं और हम लोग भी होम स्टे, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है नियर बाई इमावती, इमावती इट्स अ टेंपल है वहाँ पे, मंदिर है एंड मंदिर के साइड से फिर सेंग की सनसेट पॉइंट है, आप जा सकते हो, मेन की पास में ही और कुछ नहीं, 2 किलोमीटर है हमारे होम स्टे से, तो अभी तो वहाँ निकलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं आगे। सो इमावती के लिए वी स्टार्टेड। एक चीज बहुत अच्छा लगा कि चिकमंगलूर का कि जितना भी हम लोगों ने आज ट्रैवल किया विद इन द सिटी, कुछ क्लोज टू 60-65 किलोमीटर ट्रैवल किया, इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन हिल स्टेशन और कहीं भी कुछ गंदगी नहीं है, रोड्स आर एक्सेलेंट। हाँ थोड़ा सब लोग तेज चलाते हैं, मैं भी थोड़ा तेज सब सच बोलूँ तो या थिंग्स वे वेरी फास्ट ऑन द रोड। और अभी मौसम में यहाँ पे थोड़ा बादल, काले काले बादल आ गए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश तो आएगा ही आएगा। चलो ये भी एक अच्छा है कि बारिश के मौसम में एक कॉफ़ी तो बनता ही है आफ्टर एक घंटे के बाद, तो क्या कहती है? अरे बिल्कुल, कॉफ़ी तो मस्त है, वैसे भी यहाँ तो कॉफ़ी प्लांटेशन है ही ना, इट्स फेमस है। लोगों ने रास्ते में देखे थे काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स, कॉफ़ी प्लांटेशन राइट, कॉफ़ी प्लांटेशन के नियर बाई होम स्टेज वगैरह है, पूरा ये कोकोनट एवरीथिंग इज देयर, कोकोनट ट्रीज, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
मंदिर तो कहीं हमको दिख नहीं रहा। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ही तेज। अभी हो गया है 8:50, तो हम लोग टेंपल विजिट के लिए और साइट सीइंग के लिए गए सनसेट व्यू पॉइंट, बट इतना तेज़ बारिश आया कि हम लोग मिल ही नहीं पाए। तो हम लोग नीचे प्लेन में जा रहे थे टू फाइंड अ गुड कैफ़े, बट वो मिला नहीं, तो अभी वापस आ गए। तो यहाँ पे हम लोग ने जस्ट केम टू दिस लोकल रेस्टोरेंट, यहाँ पे अपना डिनर पैक करने के लिए आए हुए हैं। तो बिरयानी लिया है, एक केरला पराठा एंड और कबाब लिया है, चिकन कबाब एंड वन चिकन कबाब एंड वन चिकन बिरयानी। सो इन्होंने बोला है कि इट्स अ दम बिरयानी, अच्छा होगा, सो लेट्स सी। तो अभी पैक करने को बोला, खा के देखते हैं कैसा होता है।